सकता। तो देखिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची कल जारी कर दी, उसके बाद अब जल्द ही कांग्रेस भी प्रत्याशियों की घोषणा करने वाली है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बड़ा बयान दिया है, उनका कहना है कि एक्सरसाइज चल रही है, जल्द ही सूची भी आ जाएगी। ब्लॉक से आवेदन मंगाए गए हैं और कांग्रेस भी जल्द ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। हमारे जल्दी आएगी, अब तो एक्सरसाइज उसमें चल रहा है, आवेदन मंगाए जा रहे हैं और जैसे पार्टी हाईकमान का रणनीति है उसके तहत कार्रवाई चल रही है, आवेदन हमारे ब्लॉक से आएंगे। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के छत्तीसगढ़ दौरे पर भी अमरजीत भगत ने तंज कसा। केजरीवाल पहले दिल्ली और पंजाब संभाल लें, ये बात अमरजीत भगत ने कही। साथ ही कहा कि केजरीवाल के लिए यहां कोई संभावना नहीं है, छत्तीसगढ़ में फिर अच्छी सरकार बनेगी। पंजाब संभाल ले, उधर क्या है, हवा निकल गया है, अब इधर आकर के क्या करेंगे, सब आ रहे हैं अपना अपना वो लेने, लेकिन इधर दूर दूर तक संभावना नहीं। एक तरफ सहयोग की बात करते हैं दिल्ली में, यहाँ दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, यहाँ कांग्रेस ही आएगी और अच्छे बहुमत के साथ आएगी। आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी 32-33 लोग जीत करके आते हैं सामान्य सीट से भी, सरकार बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। और कंप्यूटर ऑपरेटर पर मामला दर्ज। चुनावी तारीखों की घोषणा से पहले छत्तीसगढ़ में बीजेपी की पहली लिस्ट हो गई जारी, 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। पाटन से सीएम बघेल के खिलाफ लड़ेंगे विजय बघेल। बीजेपी की पहली लिस्ट पर बोले पार्टी नेता, छत्तीसगढ़ में बनेगी बीजेपी की सरकार, सीएम ने साधा निशाना, कहा बीजेपी उम्मीदवार